subscribe to Mahesh Solanki channel and don't forget to press the bell icon to get regular update. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के आगे की क्वेश्चंस, तो अभी आगे की क्वेश्चंस कैसे, तो लास्ट वीडियो में हम लोग ने लेबर वेरिएंसेस के सब फॉर्मूले कवर किए थे, पांच के पांच फॉर्मूले कवर किए थे, प्लस हमने एक क्वेश्चन किया था। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखा है फ्रेंड्स, तो मेरा आपका ये सजेशन है कि पहले वो जाके वीडियो देख लो, उस वो आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कंबाइंड क्वेश्चन ऑफ मटेरियल एंड लेबर, मटेरियल एंड लेबर के अगर कंबाइंड क्वेश्चन हो गए तो हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो ये क्वेश्चन है और उसके बेस पे हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। क्या बोला है, कैलकुलेट मटेरियल एंड लेबर वेरिएंसेस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फॉर 5 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए द स्टैंडर्ड डेटा आर, मतलब ये जो स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन दिया है वो कितने यूनिट्स के लिए दिया है, 5 यूनिट्स के लिए। मटेरियल कितना यूनिट्स, कितना केजी यूज हो रहा है, तो 5 यूनिट्स के लिए मटेरियल 4 केजी यूज हो रहा है और 25 पर केजी, लेबर 100 आवर्स 2.5 पर आवर, मतलब लेबर का भी इंफॉर्मेशन दिया है और मटेरियल का भी इंफॉर्मेशन दिया है स्टैंडर्ड के लिए। एंड एक्चुअल डेटा आर, एक्चुअल प्रोडक्शन 1000 यूनिट्स, एक्चुअली प्रोडक्शन कितना हो रहा है 1000 यूनिट्स, ओके। मटेरियल कितना यूज हो रहा है, तो 7840 केजी रुपीस 27 पर केजी, ठीक है, 27 पर केजी के हिसाब से मुझे मटेरियल परचेस करना पड़ रहा है मार्केट से। उस पर लेबर कितना काम कर रहा है, तो लेबर काम कर रहा है 19800 आवर्स और कितना 2.6 पर आवर। अभी मैंने जैसे ही पहले भी बोला था कि जब भी हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन करेंगे, हम लोग कंपलसरी क्या बनाएंगे, टेबल। एक बार टेबल बन गया फ्रेंड्स, तो बाकी के फॉर्मूलेस सिर्फ हम लोग को वैल्यू पुट करना है उस पर, ठीक है। सबसे पहला हमारा टारगेट क्या होगा, टेबल बनाना, ठीक है। तो टेबल देखो, पर्टिकुलर्स स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल। स्टैंडर्ड में क्या होगा, क्वांटिटी आर्स दोनों, बिकॉज मटेरियल भी है लेबर भी है, रेट एंड रुपीस, क्वांटिटी आर्स रेट एंड। सर यहाँ रिवाइज क्यों नहीं बना, तो रिवाइज इसलिए नहीं बना ताकि मेरे पास एक ही मटेरियल है और एक ही लेबर है। अगर मेरे पास दो या दो से ज़्यादा मटेरियल होते या फिर दो या दो से ज़्यादा लेबर होते तो रिवाइज क्वांटिटी या फिर रिवाइज आर्स बनता है, अदरवाइज नहीं बनता, बिकॉज यहाँ एक ही मटेरियल है और एक ही लेबर है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के मैं हमेशा किसका इन्फॉर्मेशन लिख दूंगा, एक्चुअल का इन्फॉर्मेशन लिख दूंगा। एक्चुअल का इन्फॉर्मेशन किया है तो कितना है, तो एक्चुअल का इन्फॉर्मेशन 1000 यूनिट्स, ओके। तो 1000 यूनिट्स, तो 1000 यूनिट्स हम लोग ने आउटपुट लिख दिया। मटेरियल कितना है, 7840 27 मल्टीप्लाई करेंगे 211680। नेक्स्ट लेबर का इन्फॉर्मेशन कितना दिया है, तो लेबर 19800 मल्टीप्लाई बाय 2.6, तो अमाउंट कितना आएगा 51480। तो ये एक्चुअल का इन्फॉर्मेशन हो गया। और स्टैंडर्ड मैंने क्या बोला था, कंपैरिजन हमेशा इक्वल होना चाहिए, बिकॉज स्टैंडर्ड का जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो कितने यूनिट्स के लिए दिया है हम लोग को, 5 यूनिट्स के लिए दिया है, 40 केजी एंड 100 आवर्स। तो क्या करेंगे, ये जो 1000 यूनिट्स है उसको हम लोग यहाँ कॉपी कर देंगे, दैट इज 1000 यूनिट्स, ओके। अभी मटेरियल मुझे बताओ 5 यूनिट्स बनाने के लिए कितने केजी लगे हैं मटेरियल के, तो 40 केजी लगे हैं। तो 1000 बनाने के लिए कितना क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कैसे करोगे, तो देखो 5 यूनिट्स बनाने के लिए 40, तो 1000 बनाने के लिए कितना, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइडेड बाय 5, तो देखो 8000, ठीक है। 8000 पर केजी कितना है, तो पर केजी इज 25, तो मल्टीप्लाई करेंगे 8000 मल्टीप्लाई बाय 25, तो 2 लाख मुझे क्या मिल जाएगा, अमाउंट। उसी तरीके से लेबर का करेंगे, लेबर कितना दिया है, तो लेबर का ये जो इन्फॉर्मेशन दिया है दैट इज़ फॉर 5 यूनिट्स और मुझे कितने यूनिट्स के लिए चाहिए, 1000 यूनिट्स के लिए, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 5 कितना हो जाएगा, 20000 मल्टीप्लाई बाय 2.5, तो 50000 मुझे क्या मिल जाएगा, अमाउंट। तो एक बार मैंने ये पूरा टेबल बना दिया फ्रेंड्स, उसके बाद तो जस्ट फॉर्मेलिटी है। तो देखते हैं, ये स्टैंडर्ड और एक्चुअल का हम लोग ने टेबल बना दिया। पहला हम लोग मटेरियल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और इसमें मटेरियल में सिर्फ 3 फॉर्मूला आएंगे, बिकॉज एक ही मटेरियल है। सबसे पहले क्या आएगा, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट कहाँ से मिलेगा टेबल में से, स्टैंडर्ड कॉस्ट इज 2 लाख एंड एक्चुअल कॉस्ट इज हाउ मच, 211680। तो 11680 किस में मिलेगा, एडवर्स में। नेक्स्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस, ठीक है। मटेरियल यूसेज वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड
रेट स्टैंडर्ड क्वांटिटी टेबल से मिलेगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है 8000, तो 8000 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी हाउ मच 7840 मल्टीप्लाई बाय 25, स्टैंडर्ड रेट कितना है मेरा 25, तो करें 8000 माइनस 7840 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट कितना है 25, तो 4000 किस में आ गया फेवरेबल, अगर पॉजिटिव में आंसर आ रहा है फ्रेंड्स तो 4000 फेवरेबल लिखेंगे। नेक्स्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड रेट कितना है मेरा स्टैंडर्ड रेट इज 25 एंड एक्चुअल रेट कहाँ से मिलेगा टेबल से मिलेगा फ्रेंड्स, एक्चुअल रेट इज 27 मल्टीप्लाई बाय हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी कितना है 7840 इक्वल टू 15680 माइनस में आया इसलिए हम लोग ने क्या लिखा फ्रेंड नेगेटिव में। नेक्स्ट लेबर का फॉर्मूला, लेबर का क्या बोलता है लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना है तो स्टैंडर्ड कॉस्ट इज 50000 तो 50000, एक्चुअल कॉस्ट कितना है 51480 तो माइनस कर दिया 51480 तो अमाउंट कितना आएगा 1418 एडवर्स। नेक्स्ट क्या है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंसेस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, एफिशिएंसी मतलब आर्स, तो स्टैंडर्ड आर्स माइनस एक्चुअल आर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, तो स्टैंडर्ड आर्स कितना है तो टेबल से मिलेगा मुझे दैट इज 20000, तो 20000 माइनस एक्चुअल आर्स कितना है 19800 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट इज हाउ मच तो स्टैंडर्ड रेट इज 2.5, तो कैसे मिलेगा 20000 माइनस 19800 मल्टीप्लाई बाय 2.5 इन फेवरेबल। ओके नेक्स्ट लेबर रेट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस कैसे मिलेगा स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स, स्टैंडर्ड रेट इज हाउ मच तो टेबल में से मिलेगा 2.5, एक्चुअल रेट इज हाउ मच 2.6 मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल आवर्स मुझे टेबल से मिल जाएगा दैट इज 19800 तो कैसे आएगा 2.5 माइनस 2.6 मल्टीप्लाई बाय कितना था 19800, देखो आंसर इज इन नेगेटिव तो ये क्या लिखेंगे 1918 एडवर्स। अभी वेरिफिकेशन करेंगे तो सबसे पहले वेरिफिकेशन किसका होगा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल यूसेज वेरिएंस प्लस मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस ऊपर से मिलेगा 11680 एडवर्स प्लस मटेरियल यूसेज कितना है 4000 फेवरेबल, देखो 4000 फेवरेबल। नेक्स्ट मटेरियल प्राइस कितना है तो 15680 तो मटेरियल प्राइस कितना हो गया 15680 तो एडवर्स माइनस फेवरेबल तो मुझे मिल जाएगा 11680। लेबर कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टू लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस प्लस लेबर रेट वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस कितना है तो 1480 एडवर्स, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस कितना है तो 500 फेवरेबल, लेबर रेट वेरिएंस कितना है तो लेबर रेट वेरिएंस 1980 एडवर्स, तो 1980 एडवर्स, एडवर्स माइनस फेवरेबल तो मुझे मिलेगा 1480, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन, एग्जाम में 15 मार्क्स के लिए आ सकता है, अगर आईपीसी के स्टूडेंट से वीडियो मेरा देख रहे हैं तो याद रहे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में 7-8 मार्क्स के लिए आ सकते हैं या फिर 5 मार्क्स के लिए भी आ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ओके तो ये रहा हमारा क्वेश्चन और ये है उसका सॉल्यूशन। ओके अगर ये वीडियो फ्रेंड आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और याद रहे फ्रेंड्स सब्सक्राइब करना भूलना मत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।